हर हफ्ते हमारी टीआरपी आती है, तो टीआरपी के हम ये एक एक सीन की टीआरपी होती है, किस सीन को या किस एक्टर्स को या किस पैर को या किस विलन को या किस पैर को हमने लोग पसंद कर रहे हैं। राइटर ने एक ऐसी चीज़ लिखी जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मुझे शाहरुख खान की एंट्री अगर एयरपोर्ट से करानी है तो उस एयरपोर्ट की परमिशन लेने के लिए डिपॉजिट देना पड़ता, बात करनी पड़ती, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सारी चीजें आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड, johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक नया टर्म बड़े दिनों पहले यूज हुआ था, क्रिएटिव डायरेक्टर। क्रिएटिव डायरेक्टर का क्या काम होता है, वो कैसे काम करते हैं, कितनी मेहनत है उसमें और कितनी लगन से करना पड़ता है कि ताकि शो आपके पास बहुत अच्छे से पहुंच पाए और आपका एंटरटेनमेंट अच्छे से हो पाए। मेरे साथ हैं राज पटेल। वेलकम टू जॉन फिल्म्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, नॉर्मल लोग ना डायरेक्टर तक समझते हैं, लेकिन अब क्रिएटिव डायरेक्टर पे एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि टीआरपी की भी बात है, कास्टिंग की भी बात है, पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट होता है, डिजाइन होता है और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को होती है। थोड़ा सा डिफाइन करेंगे प्रोफाइल क्या होता है? एक्चुअली सर, हाज ए डायरेक्टर जो ऑन सेट होते हैं, ऑन फ्लोर होते हैं, वो चीज़ों को डायरेक्ट करते हैं, बट हाज ए क्रिएटिव डायरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड सपोज टू बी लाइक एडिट हो, चैनल हो, स्क्रिप्टिंग हो, कास्टिंग हो या फिर सेटअप हो, वो मेरे अंडर ही, मेरे थ्रू ही जाता है। सपोज टू बी अगर मेरे किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो मैं लाइक राइटर को इन्फॉर्म करूंगा कि फलाने फलाने एक्टर्स की प्रॉब्लम है, वो 4-6 दिन नहीं है, तो हम स्टोरी में कैसे बदलाव करेंगे। अच्छा, वो सजेशन भी आप देते हो? वो सजेशन इवन राइटर ने अगर स्क्रिप्ट पहले लिख ली तो ऑन सेट हम कर लेते हैं, इवन कास्टिंग हम करते, प्री प्रोडक्शन काम करते, म्यूजिक से लेके एडिट से एक एक सीन पे हमारा वर्क होता है। ओके ओके, मतलब आप टेक्निकली भले नहीं इन्वॉल्व हो लेकिन क्रिएटिवली पूरी शो में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर, अगर शो हमारा 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है तो आज से हमारा लाइक लोकेशन क्या होगा, सेटअप क्या होगा, कॉस्ट्यूम क्या होंगे, उसकी ज्वेलरी, उसका बैकग्राउंड, या अगर मैं सपोज टू भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरा ये कपड़ा पीछे वाला दीवार पे मर्च तो नहीं कर रहा। हाँ। तो वो हर चीज को, हर बारीकी को देखेंगे, बहुत बारीकी से, क्योंकि डायरेक्टर साहब आएंगे वो तो शूट करेंगे, साथ में स्क्रिप्ट में लेंगे, पर वो पूरा चीजें जो टीवी पे दिखता है ना, वो अगर कुछ भी गलत चीज हुई दिखी तो चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके, इससे पहले आपने क्या क्या किया हुआ राज? वैसे तो मैंने इसके पहले तेनाली किया था, सब टीवी, फिर मैडम सर किया था, काटेलाल किया था, गुप्ता ब्रदर्स किया था। तो एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर उसके पहले बहुत लंबी चौड़ी ये 8-9 साल की जर्नी है और बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके, तो जैसे एक हो गया डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, आपने क्रिएटिव डायरेक्टर जिसमें इतनी जिम्मेदारी है, इसी प्रोफाइल को क्यों चुना? यहाँ पे सर बहुत सारी चीजें करने को मिलती है। अच्छा, जैसे सपोज टू बी राइटर ने एक ऐसी चीज लिखी जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मुझे शाहरुख खान की एंट्री अगर एयरपोर्ट से करानी है तो उस एयरपोर्ट की परमिशन लेने के लिए डिपॉजिट देना पड़ता, बात करनी पड़ती, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सारी चीजें आएगी, तो इंडियन ऑडियंस को भरने की जरूरत नहीं है, लाइक स्पून स्पीक करने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि बंदा एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी लगी हुई है, एयरपोर्ट बैकग्राउंड में दिख रहा, बंदा एकदम स्टाइलिश है और बैग लेके आ रहा है, तो ऑडियंस को ये पता चलेगा कि बंदा लंदन से पढ़कर आया। okay. और डायलॉग्स में ले लिया कि बहुत दिन के बाद बेटा तू लंदन से वापस। अच्छा अच्छा, तो मतलब प्रोड्यूसर का बजट बचाने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ओके, जब आप इस तरह के शो डिजाइन करते हैं और ऑडियंस के सामने जाता है तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शो वैसा ही पहुंचे जैसा हमने कागजों में सोचा था। तो किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? हर हफ्ते हमारी टीआरपी आती है, तो टीआरपी के हम ये एक एक सीन की टीआरपी होती है, किस सीन को या किस एक्टर्स को या किस पैर को या किस विलन को या किस पैर को हमने लोग पसंद कर रहे हैं। ओके, सपोज टू भी अभी ये बच्ची आई है तो ये बच्ची हमने एक लक्ष्मी के रूप में अपने शो में इनको इन्वाइट करा, तो अभी महादेव की कृपा से ये बच्ची हमारा शो बचाएगी। अच्छा, क्योंकि हमने इस शो में 6 महीने में बहुत कुछ ट्राई कर लिया। हाँ। लड़का लड़की का ट्रैक, विलन का ट्रैक, या शो का नाम है कि मेरी डोली मेरे अंगना, जिस घर में बेटी है उसी घर में उसकी अंगना, उसी डोली, उसी आंगन में उसकी डोली आ रही, तो इसका मतलब तो ऑडियंस क्लियर हो गई। राइट राइट, इनके घर का बेटा है, तो हमने वो भी ट्राई कर लिया, विलन का भी ट्राई कर लिया, किडनैप भी कर लिया, चोरी भी कर ली। अब ऐसा करें कि थोड़ा सा कुछ अलग ट्रैक लाना के लेवल पे चले जाए शो। ओके ओके, तो मतलब ये भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आप शो को अगर सही से दिशा नहीं मिली तो उसको चेंज करके कुछ ऑडियंस को बैठाया जाए। हमेशा जो भी लिखा जाता है, जो भी शूट किया जाता है, वो ऑडियंस के नजरों से, क्योंकि हमारे लिए भगवान मेरी ऑडियंस है। राइट, क्योंकि हमारा घर और बाकी सबका घर ऑडियंस ही चला रही है, right. तो टीआरपी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके राजी, अब आता हूँ कि मैं जो एक्टर्स होते हैं, हाँ. वो जब आप चुनते हो किसी हाँ. को भी शो के लिए चुनते हो तो आप उसमें क्या क्या मेन बात देखते हो? सर कास्टिंग सपोज टू भी 2-3 महीने से चल रही है और हमें हमेशा है ना हम 3 से 4 ऑप्शंस रखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, okay. और उनकी रीडिंग्स पे लेते हैं, एक्टिंग क्लास वर्कशॉप होता है एंड देन एक फाइनली एक मॉक शूट करते हैं कि वो 3 एक्टर्स में से 2 लड़कियां सबके साथ एक पैर करके एक अच्छा सा शूट करते किसका पैर अच्छा लगेगा, okay. पर उसमें सब कुछ मायने रखता है, उसका लुक, उसका डिक्शन, उसकी क्लैरिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑडियंस पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, okay. क्योंकि भगवान मेरे ऑडियंस ही है। ओके ग्रेट, ओके राज, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से शो बनाते रहें और आपका पैशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सारी चीज़ों को बड़े मुस्कुराते हुए एकदम संभाल रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।